dear students in this topic we shall discuss the ectotherms living in cold and freezing environments living in cold environment has certain challenges for example the main, uh, problems in maintaining metabolism and Freezing threat. These challenges are because ectotherms cannot maintain their body temperatures and their body temperatures vary with the ambient temperature. So, if there is a cold temperature or freezing temperature, their bodies should adopt that temperature, that is freezing temperature. survival possible? That is not. So, living in such an, uh, such an environment is a challenge. students survival requires maintaining adequate metabolic rate however enzymatic activity becomes very slow in cold environments many animals living in cold environments have evolved specialized enzymes which can function optimally at

फार्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स जिसे न्यूक्लिएशन कहते हैं सेल के अंदर अगर हो जाती है तो दैट इज ऑलमोस्ट लिथल क्रिस्टल्स सेल्स को और टिश्यूज को रप्चर कर देती हैं सेल्स इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कोई एनिमल ऐसा नहीं है विच कैन सर्वाइव कंप्लीट फ्रीजिंग ऑफ इट्स टिश्यू वाटर नाउ वी शैल डिस्कस फ्यू स्ट्रेटेजीज ऑफ एनिमल्स टू अवॉइड फ्रीजिंग थ्रेट हमने भी बताया कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन विद इन द सेल्स इज डैमेजिंग सो और इसकी नस्बत अगर आइस क्रिस्टल्स तो बने एक, एक एनिमल की बॉडी के अंदर लेकिन सेल्स में ना बने सेल्स से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में बन जाए तो दैट इज नॉट लीथल दैट इज लेस डैमेजिंग सो एडेप्टिवनेस एनिमल्स की यह है कि जब फ्रीजिंग इन्वामेंट में रहना है तो ऐसे में आइस क्रिस्टल्स अगर बने तो उनके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में बन जाएं और सेल्स में आइस क्रिस्टल्स को या न्यूक्लिएशन के प्रोसेस को रोक लिया जाए इस मकसद से एनिमल्स के पास बहुत सारी अडेप्टशंस हैं और ये जो अडेप्टेस हैं इनमें थ्री मेजर मेथड्स ज़्यादातर एनिमल्स यूज़ करते हैं पहली बात टू कीप इन देयर बॉडीज आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स दैट इज आई एन एस दूसरा टू कीप इन देयर बॉडीज एंटी फ्री सब्सटेंसेज दैट इज क्राइपोरटेटेंट और तीसरा फिनमिना है सुपर कूलिंग वी शैल डिस्कस ऑल दीज थ्री मैथड्स इन डिटेल आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं विच एक्सलरेट क्रिस्टल फार्मेशन दैट इज न्यूक्लिएशन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि अपनी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुएड में आइस न्यूक्लेटिंग एजेंट्स रखते हैं इस तरह के आई एन एस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुएड को फ्रीज होने में हेल्प करते हैं ज्यादा रेडीली ज्यादा जल्दी एज कंपेयर टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूड इस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं उनमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, आर्गेनिक रेजिड्यूज मुख्तलिफ प्रोटीन्स और बाज माइक्रो आर्गनिज़म्स शामिल हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में रखे जाते हैं और आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं ये स्टूडेंट जब आइस क्रिस्टल्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में बनती हैं तो पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड फ्रीज नहीं हो जाता बल्कि उसके अंदर क्रिस्टल्स बनती हैं कुछ फ्लूएड कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूएड का फ्लूड फॉर्म में ही रहता है दैट बिकम्स मोर कंसनट्रेटेड विथ सॉल्यूट्स जब सॉल्यूट्स ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी वजह से सेल के अंदर मौजूद जो पानी है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है जब ऐसा होता है तो सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूड जो है उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर लोअर हो जाता है वो अब आम फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज नहीं होगा बल्कि उसको बहुत ज्यादा कूलिंग रिक्वायर्ड होगी नतीजा ये कि सेल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेकिंग आइस क्रिस्टल्स सो दे कैन विद स्टैंड फ्रीजिंग टेम्परेचर्स आइस न्यूक्लिशन के मैकेनिज्म so को यूज करते हुए जो एनिमल्स सर्वाइव करते हैं उनकी एक एग्जाम्पल हमें आ, एक मेज आर फ्लाई जो कि कायरोनोमस है इसके फ्रेश वाटर लार्वे में मिलती है जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हती के माइनस थर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सर्वाइव करते हैं विदाउट फ्रीजिंग डियर स्टूडेंट्स सेकेंड मैकेनिज्म एंटी फ्रीज सब्सटेंस रखने का है क्रायोप्रोटेक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो कि बॉडी uh, फ्लूड में मौजूद होते हैं कुछ कोल्ड क्लाइमेट एक्टोथम्स की इन सब्सटेंसेस में इन प्रोटेक्टेंट्स में शामिल होते हैं मुख्तु किस्म के कंपाउंड्स हैं जैसे कि ग्लासरोल है सॉर्बिटोल है और कुछ एंटीफ्रीज प्रोटीन्स हैं दी सब्सटेंस लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फ्लूड्स फॉर एग्जाम्पल गलेसरोल अगर सोलूशन में uh, मौजूद हो तो सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है इस तरह से अगर ग्लैसरो रख ली जाए तो इट मीन्स के जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉडी फ्रीज नहीं करेगी बल्कि उसको कम अज़ कम माइनस सेवनटीन डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना पड़ेगा इस तरह से फ्रीजिंग से बचा जाता है ये स्टूडेंट्स एन अदर आर थर्ड मोस्ट कॉमन मैथड एम्प्लॉयड टू अवॉयड फ्रीजिंग इज द सुपर कूलिंग सुपर कूलिंग कुछ एनिमल्स में पॉसिबल ये एक फ्रीज अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी है जिसमें के बॉडी को आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट से मुकम्मल तौर पर अवॉइड कराया जाता है कोई आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट बॉडी में मौजूद ना हो यह पैटर्न या ये मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आइस न्यूक्लिएशन जो है यानी आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्स सम आइस क्रिस्टल्स एज सीड्स और एज न्यूक्लियाई अगर एक भी आइस क्रिस्टल मौजूद ना हो तो फ्रीजिंग शुरू नहीं होती बॉडी में जब कोई आइस न्यूक्लिएटिंग एजेंट नहीं होगा तो फ्रीजिंग शुरू नहीं होगी बॉडी फ्लूएड्स विल बी कूल्ड बिलो द फ्रीजिंग प्वाइंट बट दे विल नॉट फ्रीज कुछ आक्टिक बॉटम ड्वेलिंग फिशेस ऐसी हैं जो कि सुपर कूल्ड रहती हैं विदाउट फ्रीजिंग ये इसलिए कि वो डीपर वाटर्स में रहती हैं जहां पर आइस नहीं बनी होती आइस हमेशा सरफेस के ऊपर बनी होती है नीचे पानी ठंडा जरूर होता है लेकिन फ्रीज नहीं होता हाँ अगर ऐसी कोई फिश सरफेस की तरफ आ जाए और आकर किसी भी आइस सरफेस को टच कर ले तो उसमें इमीजिएटली न्यूक्लिएशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और इट फ्रीजेस एंड डाइस सिमिलरली लार्वे ऑफ पैरासिटिक वेस्प जो कि ब्रैकन सैफी है उसके लार्वे जो हैं दे कैन बी सुपर कूल टू माइनस फोर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड विदाउट आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन